पाकिस्तान में कोरोना ने खतरे की घंटियां बजा दी। 24 घंटों में मजीद 37 मरीजों का इंतकाल। अमवात की तादाद 7092 हो गई। मजीद 2304 अफराद में कोरोना की तशखीस। मरीज 3,52,000 हो गए। 3,22,000 से जायद सेहतियाब। 22,000 मरीज ज़ेरे इलाज। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट वकार अहमद सेठ कोरोना वायरस के बायस इंतकाल कर गए। वो इस्लामाबाद के निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। सदर आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने जस्टिस वकार अहमद सेठ के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का जस्टिस वकार अहमद सेठ के इंतकाल पर एक रोजा शोक का ऐलान। पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार के बाद हाई कोर्ट बार का भी शोक का ऐलान। मरहूम वकार सेठ की नमाज जनाजा कर्नल शेर खान स्टेडियम में अदा की जाएगी। दुनिया भर में कोरोना से 99 लाख हलाकतें। ब्राजील में 1,64,332, भारत में 1,28,000, मेक्सिको में 97,056, रूस में 32,000 और सऊदी अरब में 5,605 अमवात। पंजाब के तालीमी इदारों में मौसम सरमा की तातील कबल अज वक्त देने की तजवीज़। एफएक्स कमेटी का खसूसी इजलास। कोरोना के फैलाव पर इजहारी तशवीश। सियासी और अस्करी क़यादत का मौसर इकदाम उठाते हुए मुश्तरका काविशें बुरुएकार लाने पर इत्तेफाक। भारतीय फौज के LOC पर बिला इश्तियाल फायरिंग। भारतीय फौज ने रक्त चक्री और कांजर सेक्टर में शहरी आबादी को निशाना बनाया। भारतीय फौज की जानिब से मार्टर गोलों और रॉकेट्स का इस्तेमाल। भारतीय फौज की फायरिंग से एक शहरी शहीद, 3 अफराद जख्मी। पाक फौज की जानिब से भरपूर जवाबी कार्रवाई। वजीर आजम इमरान खान आज तुर्बत और गवादर का दौरा करेंगे। गवादर और तुर्बत में तारीखी पैकेज का ऐलान किया जाएगा। वजीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल कहते हैं गवादर में भी बाकायदा यूनिवर्सिटी कायम की जाएगी। तुर्बत यूनिवर्सिटी गवादर से महज 1.5 घंटे की दूरी पर है। वजीर इत्तला शिबली फराज कहते हैं बलोचिस्तान की तरक्की मुल्क की तरक्की का बायस बनेगी। वजीर आजम का दौरा बलोचिस्तान के आवाम के लिए खुशहाली के नबीद साबित होगा। मौशी समाजी तरक्की के जरिए आवाम का एहसास महरूमी दूर करेंगे। आगे बढ़ने के यकसा मौाक़ समेत आवाम की तरक्की के नए अहद का आगाज होगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन बिल गेट्स के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान में कोरोना वबा की रोकथाम और पोलियो के आगाज पर बातचीत बिल गेट्स ने पाक फौज की कौमी मुहिम स्पोर्ट की तारीफ की और पोलियो मुहिम की कामयाबी में ताबुन पर पाक फौज के किरदार को सराहा। शहबाज शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग इंक्वायरी में दूध वाला भी सामने आ गया। सलमान शहबाज के अकाउंट में पत्तों की के गवाले के नाम से 1,63,940 डॉलर मुंतकिल हुए। रिपोर्ट में इंकशाफ, मेरा शहबाज शरीफ या उसकी फैमिली के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। जिंदगी में सिर्फ एक बार विजिट वीजे पर दुबई गया गवाले का बयान। वजीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत PTI बनाएगी। पीपल्स पार्टी सीटें निकाल लेगी। इंतखाबात के बाद इल्जामात की बौछार होगी। इंतखाबात में पहली बार फौज नहीं गई। मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो की मुलाकात सीट एडजस्टमेंट के लिए थी। पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाने का फॉर्म में नहीं होगी। अपोजिशन के ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में किसी का नाम लेना तय नहीं हुआ था, लेकिन किसी का नाम लेने से मना भी नहीं किया गया था। बिलावल भुट्टो जरदारी की वजाहत, कहा PDM को मतनाजा करार देने की नाकाम कोशिश की जा रही है। तकसीम करो और हुकूमत करो की साजिशें बन रही हैं।
लेकिन पीडीएम मुत्तहिद है, जनवरी में लॉन्ग मार्च किया तो फरवरी में हुकूमत को जाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट, अपलर कोर्ट, गिलगित बल्तिस्तान ने बिलावल भुट्टो और विफाके वुजरा समेत अरकान असेंबली को जीबी इलेक्शन के इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने पर पाबंदी आयद कर दी। बिलावल भुट्टो और इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले दीगर अरकान असेंबली को 3 दिन के अंदर गिलगित बल्तिस्तान छोड़ने से मुतालिक चीफ कोर्ट के फैसले को कलदम करार दे दिया। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर से पार्टी वफूद और बिजनेस कम्युनिटी की मुलाकात, कहते हैं मुखालफीन हुकूमत को घर भिजवाने का ख्वाब देखना छोड़ दे, सेनेट इलेक्शन में अपने मुकर्रा वक्त पर ही होंगे, मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम इदारे एक पेज पर हैं, हम अवाम के वोटों से इक्तदार में आए, अवाम हमारे साथ हैं, जमहूरियत और पार्लियामेंट समेत तमाम इदारे मजबूत बना रहे हैं, आइनो कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखते हैं, सियासी इंतकाम पर नहीं। वज़ीर अमूर खारजा यूरोपीय यूनियन जोसेफ बोरल का पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को मजीद बेहतर बनाने की जरूरत पर जोर, जनूबी एशिया में इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को मजबूती बहुत जरूरी है और इसके लिए हमें मजीद काम करना चाहिए। रोमानिया में तैयार करदा जहाज पीएनएस तबूक की पाक बहरिया में शमूलियत, पीएनएस तबूक की कमिश्निंग तकरीब रोमानिया में हुई। पीएनएस तबूक जदीद आलात और टेक्नोलॉजी से लैस है, पीएनएस तबूक नेवल ऑपरेशन, हेलीकॉप्टर और ड्रोन ले जाने की सलाहियत रखता है। तर्जुमान के मुताबिक वजारत दिफाई पैदावार और डोमन शिपयार्ड के दरमियान 2 जहाजों का मुआहदा तय पाया था। इसी तर्ज का पहला जहाज पीएनएस यरमूक पहले ही पाक बहरिया में शामिल हो चुका है। चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ करप्शन केस की तहकीकात बंद करने की मंजूरी, नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास, 7 करप्शन रेफरेंसेस दायर करने का फैसला। चेयरमैन नैब ने कहा कि कौमी इदारे का ताल्लुक किसी सियासी जमात के रो या फर्ज से नहीं, ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ रियासत पाकिस्तान से है, मफरूर और इश्तहारी मुलजिमान को गिरफ्तारी के लिए कानून के मुताबिक इकदाम उठाए जाए। आज़रबाईजान के खिलाफ जंग बंदी का ऐलान क्यों किया, आर्मेनी अवाम सड़कों पर निकल आए, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी, सरकारी इमारतों का घेराव, कई मकामात पर आग लगा दी, मुजाहिरीन ने हुकूमत को गद्दार करार दे दिया, वज़ीर आज़म से मुसाफी होने का मुतालबा। शहजादा सलमान बिन हम्द बिन ईसा बहरीन के नए वज़ीर आज़म मुकर्रर, शाही फरमान जारी कर दिया गया। साबिक बहरीनी वज़ीर आज़म गुज़श्ता रोज अमरीका में इंतकाल कर गए, मैयत बहरीन लाई जाएगी, मुमलिकत में 7 रोजा शोक का ऐलान। मैक्सिको में खातीन पर पुलिस तशद्दुद के खिलाफ आवाम सरापा एहतजाज, सैकड़ों शहरी सड़कों पर निकल आए, पुलिस के खिलाफ नारेबाजी, पुलिस का मुजाहिरीन को मुंतशर करने के लिए तशद्दुद, आंसू गैस के शेल बरसा गए, मुतअद्दिद अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। अमरीकी सदर ट्रंप का एक बार फिर हार मानने से इनकार, कहते हैं एक कंपनी ने उनके 2.7 मिलियन वोट्स डिलीट कर दिए और रियासत पेंसिल्वेनिया समेत कई रियासतों में सैकड़ों वोटों को बाइडन के हक में मुंतकिल कर दिया गया। सऊदी अरब के हुक्मरान शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने ईरान के एटमी और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को खत्ते के लिए खतरा करार दे दिया, आलमी बरादरी से इसके खिलाफ फैसला कुन मौकफ इख्तियार करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि तेहरान दहशतगर्दी की पुष्ट पर आही इंतहा पसंदी और फिरका वराना कशीदगी को हवा देने की साजिश कर रहा है। हांगकांग में हुकूमत की तरफ से ओपोजिशन के 4 अरकान को नाहल करार दिए जाने के खिलाफ पूरी हिजब इख्तलाफ एहतजाज मुस्ताफी हो गई, अपोजिशन के तमाम 15 अरकान ने अपने इस्तीफे पेश कर दिए। चीन ने अपोजिशन के इज्तिमाई इस्तीफों की मजम्मत करते हुए इसे एक ड्रामा करार दे दिया।
افریقی ملک برکینا فاسو میں شدت پسندوں کے حملے میں 14 سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہو گئے۔ حملے میں متعدد افراد کے زخمی ہونے کی بھی اطلاع ملی ہے۔ سیکیورٹی اداروں نے علاقے کی ناکہ بندی کر کے ملزمان کی تلاش شروع کر دی ہے۔ مصر میں ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو گیا، جس میں 7 امن فوجی ہلاک ہو گئے۔ اس حادثے میں 1 امن فوجی کو بحفاظت بچا لیا گیا۔ اس حادثے کی وجہ تقنیبی خرابی بتائی جا رہی ہے، جس کی جانچ کی جائے گی۔